और दिवाली में कुछ इस प्रकार हमारे गांव में इंजॉय किया जाता है। और ये प्रधान की फुलझड़ी बुझ चुकी है। हेलो गाइस, आपका दोबारा स्वागत है एक और वीडियो में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चाचा जी ये बम फोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, वो रहा आप देख सकते हैं। और और यहाँ पे आराव बिस्ट जो कि है अब मुर्गा छाप के किंग माने जाते हैं ये पाटली गांव में। और यहाँ पे इन्होंने मुर्गा छाप पे लगा ली आग और मुर्गा छाप की हो गई है बरसात। ये सब कुछ की मुर्गा छाप पुराने साल के। छोटी सी रंगोली हमारी और सभी माता लक्ष्मी को समर्पित यहाँ पे है। देख लीजिए दोस्तों, और ये है हमारा प्यारा सा घर। यहाँ पे हम लोगों ने लक्ष्मी पूजन करने के बाद अब हम फोड़ रहे हैं पटाखे और फुलझड़ी लड़ी और कौन कौन सी चीजें हैं वो बॉम्ब। और कौन सा बॉम्ब है? क्लस्टर बॉम्ब और फुलझड़ी गिरनी और अनार, पता नहीं कौन कौन सी चीजें। और यहाँ पे देख लीजिए, ये रुक जाओ, ये अब मेरा भतीजा कह रहा है कि मैं खुद फोड़ूंगा, लेकिन ये देख लीजिए, ये बहुत घातक इंसान है यहाँ पे। और ये मेरी भतीजी है और हम इसको फोड़ेंगे। बड़ा वाला बम, रुक जाओ, ये वाला मैं फोड़ूंगा, उसके बाद आप लोग फोड़ना। और देख लेते हैं, एक दो, टाइमर नहीं लगाया है इन्होंने। और यहाँ से हम भागने की कोशिश, भागो, ये तो बहुत भयंकर चोट हो गई यहाँ पे। यही है वो इंसान जो कि एकदम घातक है, डरावना इंसान। इसकी आंखें देख लीजिए और देख लीजिए, ये आप फोड़ने वाला है बम यहाँ पे, क्लस्टर बम जो फोड़ेगा। पुत्र वहां से भागो, वहां से आप भागो। और देख लीजिए दोस्तों, ये है आ रहा बम फोड़ नहीं लगा अभी, ये डर रहे हैं थोड़ा यहाँ पे। और देख लीजिए, और यहाँ पे हमें भी भागना पड़ेगा। युवा पीढ़ी अभी हमारे साथ है, जो ये लोग कर रहे हैं डाकुड़ी चौपली के, इनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। इनमें देख लीजिए अब कितना अंतर है, कितना हम अपनी संस्कृति से पीछे जा रहे हैं और कितना पिछड़ रहे हैं, देख लीजिए। एक बार फिर से आ चुके हैं जो बुजुर्ग हैं, देख लीजिए आप एक बार फिर से। इसमें कुछ बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। तीन चार बुजुर्ग हमारे साथ, बाकी ये सब युवा हैं या नई बहुए हैं। इनमें कुछ वैसी फीलिंग आ नहीं रही है कि जो हमारा चलता है पौराणिक कार्यक्रम चौफिलाए, जो हमारी संस्कृति है। उल्टी रख ली, उल्टी रख ली।